नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एजी सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एजी सिरप को बच्चों को कैसे देना चाहिए और एजी सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एजी सिरप को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एजी सिरप एक एंटीबायोटिक दवा है। एजी सिरप का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, खांसी होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर एजी सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर एजी सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर एजी सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर एजी सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। एजी एक ब्रांड नेम है। एजी सिरप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एजिथ्रोमाइसिन होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों में एजी सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट बच्चों में एजी सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त होना और पेट में दर्द हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजी सिरप को बच्चों को कैसे देना रिकमेंडेड होता है। एजी सिरप के साथ दिए गए पानी को पहले आपको एजी सिरप के पाउडर में मिला लेना चाहिए। एजी सिरप को बच्चों को खाना खाने से पहले भी दिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी दिया जा सकता है। आमतौर पर डॉक्टर एजी सिरप को शरीर के वजन के अनुसार 10 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से डोज को समान भागों में बांट कर दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। एजी सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एजी सिरप को बच्चों को देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एजी सिरप वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को बच्चों को तभी देना चाहिए जब जरूरत हो। बार बार या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को देने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करेगी, और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एजी सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।